हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आई एम संजय गुप्ता एंड आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। सो इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में फोर प्री डिफाइंड फंक्शन हमें मिलते हैं, मैलॉक, टैलॉक, फ्री एंड रियलॉक। तो इनका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एरे पॉइंटर, स्ट्रिंग पॉइंटर और स्ट्रक्चर पॉइंटर, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉइंटर का बेसिक देखा था। तो पॉइंटर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करके उस वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करा सकते हैं। बट आपको ये लगा होगा कि हम पॉइंटर बेसिकली यूज ही क्यों कर रहे हैं, जब वेरिएबल है तो पॉइंटर अलग से बनाने की जरूरत क्या है। तो वो आपको अब इस वीडियो में समझ में आएगा। तो पहले अपन देख लेते हैं डिफरेंसेस और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे होता है। तो अब इसमें आप देखोगे कि मैंने चार डिफरेंसेस बता रखे हैं। तो अगर हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो आज तक जितने भी वीडियो इस वीडियो सीरीज में आपने देखे हैं, मैं इस वीडियो सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो सीरीज में अभी तक जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं उसमें हमने अभी तक जितने भी वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर या कुछ भी बनाया जो डेटा स्टोर करने का काम कर रहा है, वो सब किस टाइप के थे? स्टैटिक। तो स्टैटिक के केस में क्या होता है कि मेमोरी जो साइज है, साइज ऑफ मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो साइज सेट कर देगा, यूजर को उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना होता है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि यूजर बताए कि मुझे इतनी मेमोरी एलोकेट हो और फिर मैं वैल्यू स्टोर कर पाऊं, सो दैट इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो क्या आज तक हमने अभी तक ऐसा किया है? नहीं। इस वीडियो सीरीज में हमने कभी भी यूजर से ये नहीं पूछा कि हाउ मच मेमोरी यू वांट टू अलोकेट एंड देन फिर हमने उससे वैल्यूज मांगी हो। हम उससे डायरेक्टली बोलते हैं कि एंटर दीज नंबर्स लाइक 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर्स, 20 नंबर्स। तो हम इस तरीके से इनपुट कराते। देन सेकेंड डिफरेंस है स्टैटिक के केस में, एट द रन टाइम यू कैन नॉट चेंज साइज ऑफ मेमोरी। जैसे हमने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप, साइज ऑफ 10, तो क्या आप उसका साइज 20 बना सकते हैं रन टाइम पर? नॉट पॉसिबल। आपको कोड में ही चेंज करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल और रन करना पड़ेगा, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट डायनेमिक केस में हम यूजर से ही पूछते हैं कि आपको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो रन टाइम पर डिसाइड होता है और रन टाइम पर आप मेमोरी एलोकेट करके वैल्यू स्टोर करते हैं। इवन अगर आप उस एलोकेटेड मेमोरी का साइज भी चेंज करना चाहते हो तो री अलॉक करके एक मेथड है जो मैंने आपको यहाँ बताया, री अलॉक। तो इसके थ्रू हम अलोकेटेड मेमोरी को रीअलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टैटिक के केस में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। जैसा अगर हम स्ट्रिंग का एग्जांपल लें, स्ट्रिंग में मान लो हमने साइज मेंशन कर दिया 50 और आपके नाम में 6 या 7 ही कैरेक्टर हैं, तो बाकी जो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं उस केस में हम क्या करेंगे कि यूजर से पूछेंगे कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। तो अगर आपके नाम में 10 कैरेक्टर्स हैं तो आप 10 ब्लॉक्स ही एलोकेट करेंगे और उतनी ही मेमोरी आप यूज करेंगे, ठीक है। देन डायनेमिक के केस में मेमोरी वेस्ट नहीं होगा। एंड लास्ट इज स्टैटिक में पॉइंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि डायनेमिक के केस में पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। अब इन डिफरेंसेस के बाद हम अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इंप्लीमेंट कैसे होता है। सो अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैलॉक कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो पहले फोकस करेंगे मैलॉक पर, जिससे आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम कैलॉक, फ्री एंड रियलॉक को यूज करेंगे। तो इसको इरेज करके बिगिनिंग से लिखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देन हेडर फाइल इंक्लूड किया stdio.h एंड मेन, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि हमें यूजर से n नंबर्स रीड कराने हैं, मतलब एक बार मैंने प्रोग्राम रन किया तो 10 नंबर्स आने चाहिए, दूसरी बार प्रोग्राम रन किया तो 15, फिर तीसरी बार रन किया तो 5, और उतने ही ब्लॉक्स अलोकेट होने चाहिए। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपन एक एरे बना देते हैं इस तरीके से। तो अगर ऐसा एरे बना दे तो साइज फिक्स हो गया 10, तो आपको लूप 10 टाइम चलाना है, मतलब हर बार 10 नंबर्स ही आएंगे। आपको जब भी नंबर्स की क्वांटिटी चेंज करनी है तो आपको यहीं पर चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको सारे लूप की जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसको चेंज करना पड़ेगा।
तो बेटर है कि हम एरे बनाए ना, हम डायरेक्टली क्या बना दें, सिर्फ पॉइंटर। तो अभी इसमें आप देखेंगे मैं सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ, कहीं पर भी एरे डिक्लेयर नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि पॉइंटर की नीड क्या है, क्यों हम पॉइंटर पे इतना फोकस करते हैं कि इसको यूज करना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद एक आई वेरिएबल जो कि लूप चलाने का काम करेगा, एक एन वेरिएबल जो कि साइज रीड करेगा, और एक एस वेरिएबल जो कि सम स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल जो एडिशनल वेरिएबल्स हैं, आई लूप काउंटर, एन जो साइज रीड करेगा, और एस जिसमें टोटल सम आएगा। एलिमेंट स्टोर करने के लिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, सिंपली क्या डिक्लेयर किया है, पॉइंटर। अब एक प्रिंटएफ लिखते हैं, प्रिंटएफ में लिखेंगे एंटर साइज ऑफ मेमोरी। ठीक है, उसको स्कैन किया और वो किस में आ जाएगा, एन वेरिएबल के अंदर। तो अब हमें यूजर ने बता दिया कि मुझे इतने ब्लॉक्स एलोकेट करना है, तो अब काम आता है मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन का काम आएगा कि आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके दे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पी इक्वल्स टू इंटीजर पॉइंटर देन मैलॉक साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाइड बाय एन। तो अब इसको समझ लेते हैं, मैलॉक एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो कि मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। साइज ऑफ इंट ये बता रहा है कि एक इंटीजर वेरिएबल को कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, साइज ऑफ क्या बता रहा है, एक इंटीजर वेरिएबल को कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, और हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से। तो लेट सपोज एन की वैल्यू है 5, तो इट मीन्स हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमें कितने इंटीजर टाइप के ब्लॉक बनाने हैं, 5। तो हमने उस एन 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइज ऑफ इंट से। तो उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, वो टाइप कास्ट हो जाएगी इंटीजर पॉइंटर में, और उसका जो बेस एड्रेस है वो किसको मिल जाएगा, पी पॉइंटर। तो इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है। तो अब अगर इसका अपन डायग्राम बनाकर देखें, तो मैं पेंट के थ्रू कोशिश करता हूं आपको डायग्राम समझाने की। तो लेट से ये अपना पी पॉइंटर, तो इनिशियली पी पॉइंटर ब्लैंक था। ठीक है, फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया एन, और हमने एन की वैल्यू क्या फिक्स कर दी, 5। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं मैलॉक, तो यहां पर एन 5 है और साइज ऑफ इंट 32 बिट कंपाइलर के केस में इंट का साइज होता है 4 byte, मतलब 20 bytes अलोकेट होंगे। तो अब वो कैसे अलोकेट होंगे, एक पूरा मेमोरी ब्लॉक बनेगा, ठीक है, 20 bytes का, और ये इंटरनली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 parts में। और इसका जो बेस एड्रेस है, इसका जो बिगिनिंग एड्रेस है, वो किसको मिल जाएगा, पी पॉइंटर। तो अगर अपने पास बेस एड्रेस अवेलेबल है, तो हम पी को फिर फर्दर प्लस प्लस करा सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब हमने एरे एंड पॉइंटर डिस्कस किया था, कि अपने पास अगर किसी भी एरे का बेस एड्रेस अवेलेबल है, तो हम पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे, तो वो उस टाइप के अकॉर्डिंग जंप करेगा। तो अभी पी किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर कर रहे हैं। तो जब मैं पी को प्लस प्लस करूंगा, तो वो कितने बाइट जंप करेगा, 4 byte, क्योंकि 32-bit कंपाइलर है। अगर 16-bit कंपाइलर होता तो वो 2 byte जंप करता। तो इस तरीके से जब मैं 4 byte जंप करूंगा, तो यहां पर आ जाऊंगा, फिर प्लस प्लस किया, 4 byte जंप किया, तो इस लोकेशन पर, फिर इस लोकेशन पर, फिर इस लोकेशन। तो इस तरीके से एक एक करके सारे लोकेशन में प्रोसेस कर पाऊंगा। साइज अगर मैं चेंज कर देता हूं, मैंने पहली बार प्रोग्राम रन किया, 5 input किया साइज, तो 5 block मिले। अगली बार फिर से प्रोग्राम को रन किया और मैंने एन की साइज एंटर कर दी 10, तो ऑटोमेटिकली मैलॉक 10 blocks बनाएगा और पी उसको मैनेज करेगा। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है, ये हमने यूज किया है फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक, अब हम एक लूप चलाते हैं। अब लूप कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट साइज तो पता नहीं है, बट एन को मालूम है कि साइज कितना है। तो एन टाइम लूप चलाया, फिर लिखा एस इक्वल्स टू एस प्लस एस्टरिस्क पी। ठीक है, और अब यहां पर एस्टरिस्क पी लिखा, तो अब देखो दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप P को प्लस प्लस करते जाओ, P आगे बढ़ता जाएगा, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि P जो ओरिजिनल बेस लोकेशन थी उसको चेंज करके अगली लोकेशन पे चला जाएगा। तो उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, आप लिख दो P प्लस I। तो इससे क्या होगा, P के पास बेस एड्रेस है, उसमें I ऐड किया, I इनिशियली 0 है, तो ये बेस एड्रेस पे ही रहेगा और वो डी रेफरेंस हो जाएगा। जब हम आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई हो जाएगा 1, तो पी प्लस 1, इट मीन्स पी में जो एड्रेस है उसको, उसके अंदर 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करने का मतलब है अगले लोकेशन पर पहुंच जाओ,
कि उतने बाइट्स जंप करो जितना जो पॉइंटर का डेटा टाइप है. तो पॉइंटर का टाइप है इंट, तो ये 4 बाइट जंप करेगा और अगले लोकेशन पर पहुंचेगा और उसको डी रेफरेंस करा देगा. फिर अगली बार आई प्लस प्लस होगा, आई हो जाएगा 2. तो अब बेस एड्रेस पी के पास वही बेस एड्रेस है, पी चेंज नहीं हो रहा है और हम लिख रहे हैं प्लस आई, तो पी प्लस आई, तो पी मतलब बेस एड्रेस प्लस 2, तो वो कितनी बार जंप कर जाएगा? 2 टाइम, एक बार 4 बाइट, फिर दूसरी बार 4 बाइट, तो वो सेकेंड लोकेशन पे पहुंच जाए, मतलब सेकेंड इंडेक्स. तो 0 पे वो ऑलरेडी है, प्लस 1 किया तो 1 इंडेक्स पे गया, प्लस 2 किया तो 2 इंडेक्स पर, और इस तरीके से जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर एड हो जाएगी. ठीक, अब उससे भी पहले हमें एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट भी कराना है, तो आप क्या लिखोगे? एंटर वैल्यूज. और आप ये भी लिख सकते हैं एंटर परसेंट डी वैल्यूज. तो n क्या करेगा? एक वैल्यू भी प्रिंट कर देगा. जैसे n की वैल्यू 5 थी तो ये बोलेगा एंटर 5 वैल्यूज. n अगर 10 है तो ये बोलेगा एंटर 10 वैल्यूज. फिर आप लिखो scanf, सॉरी फॉर लूप, n टाइम इसको रिपीट करना है. और यहां लिख दीजिए scanf परसेंट d. अब यहां देखो p प्लस i लिखना है बस, क्योंकि स्कैनफ में हमें एड्रेस चाहिए होता है और उस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर होगी. तो P के पास बेस एड्रेस है प्लस 1 प्लस 2 करके, वो अलग अलग एड्रेस पे पहुंच जाएगा. तो हमने पॉइंटर के थ्रू एरे को रीड करा लिया, पॉइंटर के थ्रू एरे का सम करा लिया. अब हम जो भी सम हमारे पास कैलकुलेट होकर आया उसको डिस्प्ले करा देते हैं. तो ये देखिएगा, अब मैंने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एरे एज अ वेरिएबल यूज नहीं किया, पूरा प्रोग्राम पॉइंटर के थ्रू डायनेमिकली कंट्रोल होगा. तो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी. एक मिस्टेक है यहाँ पर, ओके. एक हेडर फाइल हमें यूज करनी पड़ेगी stdlib.h. कर्ली ब्रेसेस की प्रॉब्लम. ओके, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया तो वो एरर थी. तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, मैलॉक कैलॉक फंक्शन यूज करेंगे तो हेडर फाइल stdlib यूज करना पड़ेगा. अब इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि एरर्स रिजॉल्व हो चुकी हैं. साइज मैंने एंटर किया 5. अब मैं 5 वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, तो देखो सम हो गया 5. अब मैं कोड में कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है. और इस बार मैं मेमोरी साइज एक्सपेक्ट करता हूँ 10. देखो एंटर 10 वैल्यूज, ऑटोमेटिकली 10 ब्लॉक्स एलोकेट हो गए, तो अब मैं 10 टाइम वैल्यू एंटर कर पाऊंगा और सम आ गया 10. तो देखा स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस. स्टैटिक में हर बार क्या था, साइज प्रोग्रामर ने सेट किया और यूजर उस पर डिपेंडेंट हो गया. बट इस केस में साइज प्रोग्रामर ने सेट नहीं किया, साइज यूजर प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ साइज प्रोवाइड की, फिर हमने यहाँ पर मेमोरी एलोकेट किया, उसके बाद एलोकेटेड मेमोरी को यूजर से रीड करवाया, फिर उसके बाद हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और सम कैलकुलेट कर लिया. अब आपके जितने भी स्टैटिक एरे वाले प्रोग्राम्स थे, अब आप उनको डायनेमिक एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो इतना कोड तो हर बार सेम ही रहेगा कि आपको पॉइंटर बनाना है, साइज रीड करना है, मेमोरी एलोकेट करनी है और यूजर से इनपुट कराना है. और अभी तक जो स्टैटिक एरे हमने यूज किया था वहां पर हम ए ऑफ आई यूज करते थे, उसके जगह अब आप एस्टरिस्क पी प्लस आई यूज करेंगे. तो आप जितने भी स्टैटिक एरे थे जहां पर आप लिमिटेड वैल्यू ही हर बार एंटर कर पा रहे थे, अब आप उनको डायनेमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यूजर पहले साइज बताएगा और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है. अब अपना टास्क फिनिश होने के बाद उस एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करना है, तो आप सिंपली एक फंक्शन लास्ट में यूज करेंगे फ्री पी. तो अब ये मेमोरी को जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है उसको रिलीज कर देगा ताकि कोई और प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज कर पाए. बट आप उस रिलीज्ड मेमोरी को चेक नहीं कर पाएंगे, मतलब आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि वो फ्री हो चुका है क्योंकि ये फ्री फंक्शन का काम है. बट आप फिजिकली देख नहीं सकते कि वो मेमोरी फ्री हो चुकी है. तो आप जब भी मैलॉक यूज करें लास्ट में आप फ्री फंक्शन यूज कर सकते हैं ताकि जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए, ठीक है. तो इस तरीके से मैंने आपको दो फंक्शंस बता दिए, मैलॉक एंड फ्री. अब बात करते हैं कैलॉक की. तो नॉर्मली होता क्या है, जो मैलॉक है
वो मेमोरी एलोकेशन करता है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जहां पे उसको मेमोरी मिली, जैसे 20 बाइट्स एलोकेट करना था, साइज 5 है, इंट को 4 बाइट मिला तो टोटल 20 बाइट्स वो अलग अलग लोकेशन पर भी मैनेज कर लेता है. बट कैलॉग को कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए होती है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन. तो उस केस में आपको कैलॉग और यहाँ पे कॉमा यूज करना है, सिर्फ इतना सा चेंज है. तो आप नॉर्मली मैलॉग कैलॉग में से कुछ भी यूज कर सकते हो क्योंकि अपने पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल होती है. बट आपको ध्यान रखना है कि कैलॉग कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है और मैलॉग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी मेमोरी को मैनेज कर लेता है. तो अगर मैंने मैलॉग की जगह कैलॉग यूज किया और मल्टीप्लाई की जगह कॉमा यूज कर लिया तो भी ये प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा. तो पहले मैंने साइज एंटर किया 5, तो मैं 5 वैल्यूज एंटर करता हूँ, प्रॉपर चला. इसको फिर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं. ठीक है, इस बार मैंने साइज एंटर किया 6, तो ये 6 वैल्यूज मांग रहा है. तो मैंने 6 बार 1 एंटर किया तो इसने प्रिंट कर दिया 6. तो इस तरीके से मैलॉक कैलॉक आप कोई भी यूज कर सकते हैं फंक्शन. तो ये एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया कैलॉग मैलॉक में. अब एक और डिफरेंस देखते हैं. अगर हम कैलॉग से मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसके जस्ट बाद ही मैं एरे को प्रिंट करा देता हूँ, मतलब जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है उसको सिंपली प्रिंट करा देते हैं, तो यहाँ पर एक प्रिंटएफ लिखा, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी वैल्यूज. हम देखना चाहते हैं कि जो मेमोरी ब्लॉक्स मिले हैं उनमें वैल्यूज क्या है. तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंटएफ % d कॉमा एन एस्ट्रिस्क p प्लस आई को मैं प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि p के पास बेस एड्रेस है और i से हम अलग अलग लोकेशन पे मूव कर रहे हैं, ऐड कराकर और एस्ट्रिस्क वैल्यूज को डी रेफरेंस करेगा. तो जैसे ही मेमोरी एलोकेट हुई उसके बाद अगर आप एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप ये लूप यूज कर सकते हैं. तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ कैलॉग. तो कैलॉग के लिए मैंने इसको सेव किया, रन किया, मैंने 5 एंटर किया. तो आप देख सकते हो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी वैल्यूज क्या प्रिंट हो रहा है, सारे ब्लॉक्स 0 है. पांचों ब्लॉक्स में ऑटोमेटिकली क्या इनिशियलाइज हो गया, 0. फिर हम खुद से वैल्यूज डाल रहे हैं तो वो वैल्यूज इनपुट करा के उनका सम प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे स्लैश एन और लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में वैल्यूज प्रिंट हो. अब देखते हैं कि अगर मैलॉग होता तो क्या होता. मैलॉग के केस में बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली क्या वैल्यूज इनिशियलाइज होती. तो आप देख सकते हो मैलॉग क्या कर रहा है, गार्बेज वैल्यूज इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है. तो ये एक और डिफरेंस होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है वो 0 से इनिशियलाइज हो तो कैलॉग यूज करें, और आप चाहते हैं कि वो किसी भी वैल्यू या गार्बेज से इनिशियलाइज हो जाए तो आप मैलॉग यूज करें. तो इस तरीके से आपको कैलॉग और मैलॉग समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं रीअलॉक की, और इसके बाद फिर एक एग्जांपल और देखेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग को भी इसके थ्रू इंप्लीमेंट करके देखेंगे. वहां सिंपली इंट को कैर से रिप्लेस करना होगा, और फ्लोट इजी है आपके लिए क्योंकि इंट को सिंपली फ्लोट से रिप्लेस करेंगे तो वो एज इट इज काम करेगा. बट स्ट्रिंग के केस में नल को और मैनेज करना पड़ेगा तो वो अपन देखेंगे अभी. तो पहले रीअलॉक बताता हूँ. तो अब देखो यहाँ पे साइज इनपुट कराया, फिर मेमोरी एलोकेट किया, फिर एलोकेटेड मेमोरी की वैल्यूज को डिस्प्ले कराया, फिर वैल्यूज रीड कराई यूजर से, फिर हमने सम कैलकुलेट किया. ठीक है, सम प्रिंट करा दिया. अब हम चाहते हैं कि हम जो पॉइंटर है उसको फिर से नई मेमोरी एलोकेट कराएं. ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ, प्रिंट एफ एंटर न्यू साइज. एक अब न्यू साइज रीड कराने के लिए आप फिर से स्कैनफ लगाओगे और %d %n. ठीक है, अब हम यहां यूज करेंगे रीअलॉक. ठीक है, अब रीअलॉक क्या करता है, रीअलॉक को पहले हमें पॉइंटर पास करना होता है और फिर न्यू साइज. जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका जो सिग्नेचर है वो यहाँ दिखा रहा है कि पहले आपको पॉइंटर पास करना है और उसके बाद में साइज. तो पॉइंटर है पी और उसके बाद साइज अपना एन में अवेलेबल है, तो नया मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप एज इट इज इनको यूज कर सकते हो. इनको मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां मैंने पेस्ट कर दिया. तो अब अपना प्रोग्राम बिगिनिंग से देखते हैं. सबसे पहले साइज रीड किया, मेमोरी एलोकेट किया मैलॉक के थ्रू,
फिर हमने इनिशियल वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, फिर हमने यूजर से इनपुट कराई वैल्यूज और उनका सम प्रिंट करा दिया, फिर हमने नया साइज रीड किया, रीअलोक के थ्रू उसको फिर से एलोकेट कराया, मतलब नया पॉइंटर अब नए मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा एन के अकॉर्डिंग, फिर ये लूप चलेगा एन टाइम्स, मतलब नई साइज के अकॉर्डिंग वैल्यूज रीड करेगा, फिर उनका सम होगा और वो सम प्रिंट हो जाएगा। अब इसको सेव करके रन करा लेते हैं। तब देखो पहले मैंने साइज एंटर की 5 गार्बेज वैल्यू आ गई, फिर मैं 5 बार 5 वैल्यू 1 एंटर कर रहा हूँ तो ये प्रिंट कर देगा 5। अब ये पूछ रहा है एंटर न्यू साइज, तो मैंने एंटर किया 10, तब देखो ये एंटर 10 वैल्यूज करा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंटर है वो रीअलोकेट हो गया 10 लोकेशन। अब ये प्रॉब्लम आई क्योंकि इसने 15 को यहाँ पे डिस्प्ले कराया, क्यों? क्योंकि 15 इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि जो अपना सम वेरिएबल था उसको मैंने रीइनिशियलाइज नहीं किया, उसमें पहले से 5 पड़ा हुआ था और उसने नए 10 उसमें इनिशियलाइज कर दिए, तो यहाँ पर सम प्रिंट होने के बाद हमें एस को फिर से क्या करना पड़ेगा, रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो वो प्रॉपरली जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करा देगा। तो अब अगर इसको फिर से एग्जीक्यूट करें तो पहले 5, फिर 5 वैल्यूज, 5 सम आ गया, अभी मैंने डाला 7, तो 7 वैल्यूज, देखो 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ। तो नॉर्मली हम रीअलोक को प्रेफर नहीं करते, हम मैलोक कैलोक के थ्रू काम चला लेते हैं। एंड अब मैं आपको कैरेक्टर्स कैसे प्रोसेस करते हैं वो और बता देता हूँ। तो ये चीज तो अपन इरेज कर देते हैं। तो अब कैरेक्टर के लिए भी साइज रीड करना होगा, यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर आ जाएगा, यहाँ पर कैर आ जाएगा। अब ये जो इंटीजर पॉइंटर था वो कैरेक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और साइज सम, ठीक है। तो यूजर से साइज इनपुट कराया, मेमोरी एलोकेट कर दी, इनिशियल वैल्यूज हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं। अब हमें यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंटर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को रीड कराने के लिए लूप की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ पी पॉइंटर पास करना है, तो पी पॉइंटर के अंदर सारी वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी और आपको साइज मालूम ही है। बट अब साइज इनपुट करने के बाद भी हो सकता है कि यूजर कम कैरेक्टर्स इनपुट करा दे, तो आप क्या करो, सिंपली नल तक कंडीशन चेक करानी है, तो आप यहाँ लगा दो एस्टरिस्क p प्लस आई नॉट इक्वल्स टू नल। तो एस्टरिस्क p प्लस आई क्या करेगा, p जो बेस एड्रेस को पॉइंट करे उसमें i ऐड होगा, और उस इंडेक्स पर अगर नल नहीं है तो ये लूप चलता जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो सम वेरिएबल है उसको प्लस प्लस करा देते हैं, तो ये एग्जैक्टली काउंट करेगा कि कितने कैरेक्टर्स आपने इनपुट कराए। तो आपने सपोज साइज दे दिया 10, बट आपके नाम में 6 ही करेक्टर आ रहा, आपने 6 ही इनपुट कराए, तो उस चीज को कैलकुलेट करेगा। बट जब हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, तो आप हो सकता है कि कुछ और लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप सिंपली स्ट्रिंग को रीड करा के प्रिंट करा लो, या कोई और लॉजिक अप्लाई करो, अपर केस टू लोअर केस, या एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करा सकते हैं। तो एक बार इसको रन करा कर देखते हैं। ये डबल कोट्स नहीं लगाया था तो एरर शो किया, देखो ये रन हुआ, मेमोरी साइज 10। अच्छा, अब इसने स्ट्रिंग को रीड नहीं किया, तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम आई कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने एंटर को स्ट्रिंग मान लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट कर यूज करना पड़ेगा। तो ये सी के साथ प्रॉब्लम है जो कि आगे सी प्लस प्लस जावा इनमें रिजोल्व कर दी गई है, सॉरी गेट कर। तो मेमोरी साइज दिया 10, अब ये पूछ रहा है एंटर स्ट्रिंग, तो मैंने एंटर कर दिया संजय, तो देखो लेंथ 6 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डायनेमिक जो एलोकेटेड एरे उसको प्रोसेस किया। तो आप देखेंगे तो कहीं पर भी हमने स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर नहीं किया, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे हमने कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया, हम डायरेक्टली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू उसको परफॉर्म करा। तो आई होप अब आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या उसका यूज है, वो समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्लियर हुआ होगा कि पॉइंटर हमने बेसिकली क्यों पढ़ा, क्योंकि अगर आपको पॉइंटर नहीं आता तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरी डिटेल्स आपके पास आपके सामने अवेलेबल है।
एंड आई होप कि जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। तो कोशिश करना कि एरे और स्ट्रिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करो ताकि आपको चीज समझ में आए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार जो एरे के और स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स उनको डायनेमिकली इंप्लीमेंट करवा लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड इस पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर पे डाला हुआ है, और अगर आप प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है उनमें जाओगे तो आपको और बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।